नमस्कार दोस्तों, अभी हमें प्रयागराज के रामबाग स्टेशन पे, हालांकि हम इस ट्रेन में बैठे थे प्रयागराज जंक्शन पे ही, लेकिन मेरा कैमरा चालू नहीं हुआ था इसलिए वहां से वीडियो शूट नहीं हो पाया है, तो मैं रामबाग से कंटिन्यू कर रहा हूं। और अभी हम बैठे हैं रक्सौल अंत्योदय एक्सप्रेस में, जिससे चलेंगे बनारस, और अभी बज रहे हैं शाम के 5। हालांकि आप ये देख सकते हैं ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि उधर ट्रेन रुकी हुई है, उसके लोग उतर के नीचे हैं, तो रामबाग इतनी भीड़ नहीं लगती है, क्योंकि अभी हम हैं प्लेटफार्म नंबर 4 पे। रामबाग स्टेशन पे जो भीड़ लगती है वो 1 नंबर पे ही लगती है। देखिए दादा भी दौड़ेंगे, ट्रेन स्पीड में है, लोग दौड़ दौड़ के पकड़ रहे हैं। वाह दादा, देखिए प्लेटफार्म छोटा है, इस ट्रेन के कई डिब्बे इधर भी हैं। ये लौंडे पतंग उड़ा रहे हैं सर। ये दारागंज है, और आप इधर ये पीछे देख सकते हैं जो नया बना है, ये प्रयागराज घाट स्टेशन है। यहाँ से जो बनने वाली पैसेंजर ट्रेनों में मैक्सिमम यहाँ से चलती हैं लखनऊ और कानपुर के लिए, और ऊपर दारागंज स्टेशन है। ओवरब्रिज है, और आइए आपको दूसरी साइड दिखाते हैं। इस साइड पर आपको बस खिड़की दिख रही है, और दूसरी साइड जो बन रहा है 4 लेन के लिए, तो उसका काम चल रहा है। ये देखिए अभी पिलर बनाने का काम चल रहा है। और ये काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, चारों महानगरों को जोड़ने के लिए दिन रोड बन रही है, इसी का ये प्रोजेक्ट है। इधर आप देख सकते होंगे वो कटाई चल रही है, मैक्सिमम खेत कट चुके हैं, जो बाद में जो लेट से बोने वाले हैं उनका फसल बचा हुआ है। बाकी आप इसे देख सकते हैं सब साफ है। और ये प्रयागराज जो बाहर से वाली जो मेन है वही वाला है, स्ट्रीट लाइट जल्दी आएगी।
वो बनारस जाने वाली आई गई ज्ञानपुर रोड स्टेशन आ गए। हाँ, ज्ञानपुर रोड ही है क्योंकि बाहर स्टैंड है। ये सवारी के लिए ऑटो लगे हुए हैं। स्टैंपेज तो इसका यहीं पे था, लगे बीच बीच में कई जगह स्लो कर दे रही है, उस वजह से अंदाजा नहीं चल पा रहा है। तो फाइनली हम ज्ञानपुर रोड आ गए हैं। यहाँ से इसका नेक्स्ट स्टॉप पर बनारस है। बीच में हीरो की है डायरेक्ट खाने वाला हीरो। एकदम ठंडा चिल्ड वाला पानी बॉटल आ गया भाई। एकदम ठंडा चिल्ड वाला पानी पानी भाई। ये ठंडा पानी वाटर पानी पानी रात में मरुवाड़ी का नज़ारा देख सकते हैं। देखिए इसका नाम भी बदल दिया गया, मरुवाड़ी का नाम वर्तमान में बनारस कर दिया गया। इसका स्पीड देख के तो लग रहा था कि ये रुकेगी, लेकिन स्पीड बढ़ा रही है। या तो वाराणसी कैंट राउटर पे रुकेगी, नहीं तो लेकर चलेगी डायरेक्ट स्टेशन। ज़्यादा रात हो गई है।
या ऊपर को ला के खड़ा कर दे। ये सामने सनबीमला तारा का ब्रांच है, भारतीय रेल की यही समस्या है। अगर टाइम से रहे तो आउटर पे रोक के उसको आधा घंटा लेट करते हैं। ये देखिए यहाँ से कब चलती है। चलिए ज़्यादा देर नहीं रुकी, 10 मिनट बाद चालू हो गए और हम पहुँच गए वाराणसी तक। वाराणसी जंक्शन पहुँच गए हैं। वाराणसी जंक्शन मुसादे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ला रही है। और इधर पार्सल बोगी लगती है, इधर आपको सन्नाटा दिख रहा है, बस माल दिख रहा है। लेकिन आगे चलेंगे तो भीड़ दिखेगी, यहाँ चौबीस घंटे भीड़ रहती है। रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रहे हैं तो यहाँ तो एक नंबर पर तो हमेशा भीड़ रहती है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 टीटी साहब अपना हिसाब किताब कर रहे हैं, दो चार मुर्गे पकड़ेंगे। देखिए दीवारों पे पेंटिंग बना के बहुत अच्छे तरह से सजा दिया गया है इसको। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, काम बहुत तेजी से चल रहा है। देखिए आपको धीरे धीरे भीड़ दिखाई देने लगी। स्टेशन भी आप देख सकते हैं, हम पहले आए हैं और इस समय आएंगे तो पहचान भी नहीं पाएंगे स्टेशन पर। बहुत बेहतरीन हो गया है पहले से। देखिए आपको रूम दिख रही है, एक नंबर हमेशा खचा खचा आपको भरा मिलेगा, 24 घंटे। आगे वाले डिब्बे में तो एकदम आगे ले जाके रोके यूनियन से दो डिब्बा। देखिए कितने अच्छे तरीके से स्टेशन को बना दिया गया है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपके कुछ सलाह हो तो वो भी दीजिएगा ताकि हम वीडियो को और बेहतर बना सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। किलोमीटर